अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। एक मरतबा फिर आपको अमान रमजान ट्रांसमिशन इफ्तार आमिर के साथ जियो टेलीविजन नेटवर्क और शहर अमान में खुश आमदेद कहता हूँ। नाज़रीन मोहतरम, हमारे नेकी के मेहमान यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हैं और मोहम्मद उस्मान साहब भी यहाँ मौजूद हैं, उनकी फैमिली भी है, उनकी बेटियाँ, उनकी नवासी। आज आपके लिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम है, काफ़ी ऐलानात हुए हैं। अब हम उनसे राब्ते में रहेंगे और जैसे ही उनसे हम रबते में रहने के बाद जो जो हमें आपके लिए वो देते रहेंगे, हम आपके वो पहुंचाते भी रहेंगे और आपसे हमारा रबता अब टूटेगा नहीं, हमेशा बरकरार रहेगा। मैं तारिक फत्तानी साहब से गुजारिश करूंगा कि मोहम्मद उस्मान साहब की फैमिली को MSF की तरफ से जो इसमें मौजूद है वो कुछ इनको इनायत फरमाएँ। तारिक फत्तानी साहब हमारे MSF के सेक्रेटरी हैं इंटरनेशनल, और इसके साथ साथ मोल्टी वालों ने आपके लिए एक पिलो भिजवाया है, यूनाइटेड किंग वालों ने आपके लिए गिफ्ट हैम्पर भिजवाया है, मीज़ान वालों ने आपके लिए ऑयल भिजवाया है, करशी वाले चाहते हैं आप इसी तरह मिठास मोहब्बत के साथ यहाँ से जाएं तो ये आपके लिए शरबत है। इसमें कुछ ज़कात नहीं है, ये सब आपके लिए तहाइफ है इनकी तरफ से, फलक वालों की तरफ से चावल हैं और महमूदा सुल्ताना फाउंडेशन की तरफ से बेहतरीन राशन है आपके लिए। ठीक है जी, और रोइए मत, आप रोइए मत मेरी बहन, असल तो ज़ात अल्लाह सुबहानहू व तआला की है और वो जब आपके साथ है तो फिर शौहर इसे ओन करे या ना करे, इसको परवरदिगार ने इस लिहाज से ओन किया है कि ये रब की बंदी है, ये पैदा हुई है अल्लाह के हुक्म से पैदा हुई है और ये अब आपकी कायनात है। इसका नाम भी कायनात है और ये आपकी कायनात भी। आपके जज्बे को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। और निका हमारी मसीही बहन यहाँ पर मौजूद हैं, इनके लिए भी माशाल्लाह बहुत सारे ऐलानात किए गए हैं, अल्लाह करे कि वो सारी रकम हम तक पहुंच जाए और हम जल्द अज जल्द आप तक पहुंचाएं। लेकिन आपके भाई ने जो आपसे वादा किया हुआ था, पहले मैं उस वादे को पूरा कर दूं। MSF की तरफ से मैं आपको 2 लाख रुपए दे रहा हूं इस वक्त, ये आपके पास लेकर आ रहे हैं। तारिक फत्तानी, और आपके लिए ये पिलो है मोल्टी का, MSF की तरफ से राशन है, यूनाइटेड किंग की तरफ से आपके लिए गिफ्ट हैम्पर है, मीज़ान का ऑयल है, फलक के कर्नल बासमती चावल हैं, करशी का शरबत है। आप हमारे साथ ही, गो कि आपका रोज़ा नहीं है लेकिन इफ्तार करेंगे, आप हमारे साथ ही यहाँ पर मौजूद रहेंगे और बेहतर करेगा खुदाबंद करीम, बेहतर करेगा, सही हो जाएंगे आप। ठीक है, आप अरे नहीं, आप अपने अकीदे के मुताबिक दुआ मांगिए, हम अपने अकीदे के मुताबिक काम करेंगे। दोनों अकीदे जब मिल जाएंगे तो इंशाल्लाह काम हो जाएगा। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अब चलते हैं जी बच्चों के पास, हमारे मासूम से बच्चे जो यहाँ इस वक्त मौजूद हैं आज रोज़ा कुशाई के लिए, इनसे कुछ गुफ्तगू हो जाए। सबसे पहले, हाँ भाई, आपका नाम क्या है मेरे गोल मटोल से शहजादे? ताहा ताहिर। ताहा ताहिर नाम है आपका। पैंट किसी और रंग की है, कमीज किसी और रंग की है, टोपी किसी और रंग की है, ये क्या चक्कर है? शर्ट मिलनी नहीं रही थी। हैं? शर्ट मिलनी नहीं रही थी। शर्ट नहीं मिल रही थी ना, रात से तैयारी नहीं की थी? अभी हमारे पास तो अभी फोन आया था। आज दोपहर में आया फोन? जी। अच्छा, आज आपकी रोजा कुछ आई है? जी। ओहो, ये तो गलत किया उन्होंने। अब मैं इनसे टीम से कहूंगा भाई पहले एक दिन पहले बच्चों को बताया करें ताकि वो तैयार हो, यार हो क्या है ना भाई, है ना। तो ये आपके लिए आमिर अंकल की CD, आज वो दोनों जो बैठे हैं ऊपर उन्होंने नहीं दिए, इमरान शेख ने और अहमद रजा ने, दोनों ने नहीं दिए, वो दोनों दोनों बैठे हैं, उनका कसूर है। और ये है आपके लिए ब्लू बैंड की तरफ से कैश प्राइज, दिल पसंद की मिठाइयाँ, यूनाइटेड किंग का गिफ्ट हैम्पर, डेरी फ्रेश वालों का गिफ्ट बॉक्स, करशी का शरबत, नेस्ले का जूस, पाकोला का दूध, और क्या रह गया? हाँ, वो जरा जब प्रोग्राम एंड हुआ है ना तो मुझे एक मोबाइल दे दिएगा, एक प्लीज। लोग कह रहे हैं, लोग कहते हैं कि भाई आमिर अंकल ने यहाँ पर एक मेला सजा दिया है, तो मुझे इस माशाल्लाह तबसरे पर फख्र है कि हमारे मुल्क में जहाँ मेले नहीं सजते, रमजान की शक्ल में एक मेला सज गया है। इसमें कोई अचंभे की बात नहीं है, हमें खुश होना चाहिए कि रमज़ान सेलिब्रेशन का नाम है, हमने दुनिया को रमज़ान सेलिब्रेट करना सिखा दिया,
कि रमज़ान ही तो हमारा एक त्यौहार है जिसे सेलिब्रेट किया जा सकता है। हर तरह के अनवा इकसाम के खाने होते हैं, इनामात होते हैं, डिस्काउंट्स होते हैं। और अब आपकी मोबाइल की फरमाइश है, आप जहाँ बैठे हो ना मुझे इशारा करके बुलाइएगा, मैं सवाल मगर करूँगा आपसे, तो आप मुझे बुला लीजिएगा, ठीक है? लेकिन आने का नाजायज़ फ़ायदा मत उठाया करो, सही? चले जी। अच्छा भाई, अहमद रज़ा की सीढ़ियाँ आ गई। अच्छा, रखी हुई हैं अहमद रज़ा की सीढ़ी, रखी हुई है? ओहो बच्चों की, अरे लो भाई, यहाँ तो रखी हुई है भाई, पहुँचा दें। मैं माजरत चाहता हूँ अहमद रज़ा साहब और इमरान शेख साहब आपसे, इमरान भाई की और अहमद रज़ा की सीढ़ियाँ यहाँ पे रखी हुई हैं। और जनाब आपका क्या नाम है? शहजादी मुस्फिरा। मुस्फिरा 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 अजहर, 9 साल की हैं आप जी। और ये आप 9 साल की लगती नहीं आप मुझे, छोटी हैं आप। नहीं। अच्छा, ये आपने गरारा पहना हुआ, ये क्या है? गरारा है। गरारा है, अम्मी ने बनाया जी। खास तौर पे इसके लिए बनवाए थे, किसी की शादी का था, निकाल के पहन लिया। इसी के लिए बनाया था। हैं? इसी के लिए बनाया था। रोजा खुशाई के लिए बनाया था जी। आज आप बहुत खुश हैं यहाँ पे आके जी? कितनी खुश हैं? बहुत। कहाँ रहती हैं आप? लाइन्स एरिया। लाइन्स एरिया में रहती हैं? आपको पता है लाइन्स एरिया के सामने मैं रहा करता था, खुदादाद कॉलोनी में, मेरा घर भी वहीं था, करीबी। कहाँ रहता था मैं? खुदादाद कॉलोनी में, मेरा घर भी वहीं पे था। आप तो मेरे मोहल्ले की हैं। ये लीजिए आपके लिए ब्लू बैंड की तरफ से, ये कैश प्राइज है, ये मिठाइयाँ हैं, गिफ्ट हैम्पर है, अजवा है, जमजम है, करशी है, कलीगन वाटर है, और डे फ्रेश का गिफ्ट बॉक्स है, और आपके लिए नेस्ले के जूसेस हैं, और पाकोला का मिल्क है जी। पर्पल शहजादी, क्या नाम है आपका? फबेहा। फबिया। फबेहा, कैसी हैं? फबेहा ने तो मेहंदी भी लगाई हुई है भाई, बड़ी तैयारी के साथ आई है फबेहा। अगर आपने अभी से मेहंदी लगा ली तो फिर ईद पे क्या करेंगी आप? दोबारा लगा लेंगे। चले बस, किसने लगाई मेहंदी आप? मम्मा ने लगाई। और टॉप्स किसने पहनाया आपको इतने अच्छे से? मम्मा ने। और दुपट्टे पे बेल किसने लगाई? खाला ने बेल लगाई, टॉप्स मम्मा ने पहनाया। मम्मा ने सिया है, मेरी मम्मा ने सिया है। अच्छा, ड्रेस भी मम्मा ने सिया है भाई, वाह वाह वाह। ये लीजिए आमिर अंकल की सीडी, इमरान अंकल की और अहमद रजा अंकल की आपके पास पहले से, कैश प्राइज आपके लिए, और ये सारे इनामात आपके हैं। अच्छा जी, आपका क्या नाम है? महानूर। महानूर, महानूर पे तो नूर बरस रहा है भाई, इतने अच्छे कपड़े पहनकर आप आई हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ये लीजिए, ये आपके लिए ब्लू बैंड की तरफ से कैश प्राइज है, आमिर अंकल की सीडी है, इतने सारे इनामात आपके लिए हैं। और अल्लाह, ये तो बच्चा, क्या नाम है इस बच्चे का? हाशिर। हाशिर, मोहम्मद हाशिर जी। कहाँ से आए हैं आप? म्यांमार। हैं? म्यांमार। म्यांमार से तो आए हैं, लेकिन आप पूरे कराची के नहीं हैं, है ना? अम्मी अब्बू का ताल्लुक कहाँ से? कराची। नहीं नहीं नहीं, पक्की बात है जी? मोहम्मद हाशिर के वालिदैन कहाँ हैं? यहीं बैठे हुए जी। अच्छा, नजर नहीं आ रहे, इतना प्यारा सा बच्चा, टोपी इतनी अच्छी पहनी हुई है, और ये अजरक पहनी है आपने जी। ये किसने दिलाई आपको? ये अम्मी ने। अम्मी ने दिलाई, और टोपी? अब्बू। टोपी अब्बू ने दिलाई, अजरक अम्मी ने दिलाई, मलमल का कुर्ता किसने दिलाया? अब्बू ने दिलाया। अब्बू क्या करते हैं? अब्बू क्या करते हैं, काम करते हैं जी। अच्छा, ये लीजिए, ये आपके लिए ब्लू बैंड की तरफ से कैश प्राइज है, ये आमिर अंकल की सीडी है, और इमरान अंकल की सीडी और अहमद रजा अंकल की यहीं पर मौजूद है। आप सब लोगों को पहला रोज़ा बहुत बहुत मुबारक हो। अब थोड़ी देर के बाद खुल जाएगा, मैं जब यहाँ हूँ तो ये मत पूछना कि कब खुलेगा रोज़ा, हमें भूख लग रही है। एक छोटा सा वक्फा लेने जा रहे हैं आमिर अंकल, और उसके बाद हाज़िर होंगे, फिर कारी मोहम्मद इब्राहिम कासी साहब दुआ फरमाएंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।